बलवीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चारूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धौले होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 तारीख होगी, यह जानकारी राकेश टिकैत ने दी। देखिए, शुरू से एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी किसानों के हितैषी रहे। सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे किसानों को लाभ मिले। तीनों जो कृषि कानून थे, किसानों को बात पूरी तरीके से नहीं समझ में आ पाई, वापस हुए, इस पर प्रतिक्रिया भी दी है हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने। और हर मसले का जो हल है वो बातचीत से ही निकलना चाहिए, क्योंकि हम तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ये तो अच्छी पहल है कि अगर बातचीत होती है और जो थोड़े बहुत भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाते हैं, तो ये तो बेहतर होगा किसान भाइयों के लिए भी, सरकार के लिए और पूरे देश के लिए। आज शनिवार को प्रधानमंत्री उत्तराखंड में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली टू हरिद्वार के लिए भी आधारशिला रखी। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि कुछ ये राजनीतिक दल जनता को असहाय, आश्रित और मजबूत नहीं बनाने का तरीका लेकर आए हैं और हमने वह काम जो 2007 से 2014 के बीच यूपीए की सरकार ने मात्र 288 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग बना पाया, वो हम लोगों ने 7 साल में 2000 किलोमीटर 12000 करोड़ रुपये की लागत से बना करके दिखा दिया कि काम कैसे होता है। डबल इंजन की सरकार क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रोड की वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब सचमुच हमारे पास रोड्स हों और हर जगह जाने के लिए सुविधाएं हों। तो एनडीए की विकासवादी जो सोच रही है सरकार की, उसका नतीजा है कि आप पूरे देश के स्तर पर देख लें, बिहार में देख लें, किसी अन्य प्रदेश में देख लें, बीते वर्षों में रोड्स का एक पूरा जाल फैला है और उसकी वजह से कहीं भी आना जाना बहुत सुगम हो गया है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था भी बड़ी मजबूत होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। और विपक्ष के लोग क्या कहेंगे, उन लोगों को इतने दिनों तक सत्ता में रहने का मौका मिला और आंकड़े गवाही देते हैं। अभी तो आप आंकड़े की चर्चा कर ही रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की है, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊँगा। तो आंकड़े गवाही देते हैं, माहौल गवाही देता है और लोग इन बातों को समझ रहे हैं और यही कारण है कि लोगों का विश्वास विकासवादी सोच वाली सरकार के साथ ही होता है। छात्रों के एक समूह ने JNUSU के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीन के एक पंपलेट जारी किया है, जिसमें फिल्म राम के राज्य आज रात बेलफास्ट में निर्धारित रखा गया है, लेकिन JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात से इनकार किया गया है कि उनसे अनुमति ली गई है, उनसे अनुमति नहीं ली गई है। और उन्होंने यह भी हिदायत दी है कि जो लोग भी इस तरह का माहौल खराब करने वाली बात करेंगे, काम करेंगे, उनको बक्सा नहीं जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, JNU देश की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और किसी भी संस्था, किसी भी इंडिविजुअल के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब बनाई जाती है तो अमूमन हम सब लोगों ने देखा है कि उस संस्था, उस इंडिविजुअल, उस समूह से निश्चित रूप से अनापत्ति ली जाती है। अभी यह पूरा मामला प्रकाश में आया है, इस पर JNU के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी भी है, तो इसमें ठीक ही है। इस पर हम लोगों की क्या विशेष टीका टिप्पणी होगी, हम लोग बस यही मानते हैं कि कोई भी काम जब पूरे देश में होना चाहिए तो न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से होना चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।